तालाब पर बुलडोजर देखा भैया तो हमको लगा साफ सफाई हो रही होगी, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा होगा, आज तो भैया सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तालाब चमचमा जाएगा। लेकिन क्या बताएं, वो कहावत हमको याद आ गई, जी की लाठी उकी भैंस। अब देखो भैया, ये बाबा जी का बुलडोजर नहीं है पर बुलडोजर है, और ये बुलडोजर चीट डालेगा, फाट डालेगा, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये केवल पटाई करेगा, समतलीकरण करेगा और तालाब को मैदान बना के रख देगा। हर जिला सरमाना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के ब्रह्मानंद वार्ड के नगर पंचायत हैदरगढ़ का है। बसावली सड़क जानते कि नहीं आते, वहीं पर 300 साल पुराना तालाब स्थित है भैया। अगर इसकी पटाई हो जाती है, पूरा कब्जा हो जाता, मैदान में तब्दील हो गया तो बाप सब का बताएं, आधी आबादी परेशान हो जाएगी, कम से कम 3 वार्ड के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जल निकासी कोई सुविधा नहीं है और बरसात में तो आजीजे हो जाएंगे। अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है तो हैदरगढ़ के एसडीएम साहब भैया सुरेंद्र पाल जी बहुत एक्शन में आते हैं। होना का लेखपाल को भेजते कि जाओ जाकर काम रुकवाओ और बकायदा जांच करके आओ। अब जब बकायदा हैदरगढ़ के एसडीएम साहब भेजते हैं लेखपाल, लेखपाल जाता है मौके पर तो बकायदा बहस हो जाती है, बहस होने के बाद भी काम कुछ नहीं रुकता। फिर बकायदा दोनों लोग जो बकायदा पटाई करवा रहे थे एसडीएम साहब के आगे पेश होते कि साहब देखिए हम तो इनको रुकवा लेकिन काम रुकने तैयार है नहीं। तो बकायदा जो पटाई करवा रहा था वो पक्ष दिखाता कि देखिए साहब वहाँ पर संक्रमण वाली फाइल है। अब साहब कहते हैं देखो तो वहाँ पर संक्रमण वाली फाइल है, इसकी जाँच होगी, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। लेकिन 300 साल पुराने तालाब को आप नहीं पार सकते हो। उसके बाद हैदरगढ़ कोतवाल साहब को आदेश दिया गया और काम रुकवाने के आदेश दे दिया गया। अब देखो भैया काम रुका या नहीं रुका, लेकिन बाप सबको पटाई हो गई, मैदान तब्दील हो गया तो 3 वार्ड के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, खासतौर से सुभाष वाले और बकायदा ब्रह्मानंद वार्ड वाले। देखो भी हमारा कब्जा कर ले रहे थे बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए ABC4 की बात। अब हैदरगढ़ के एसडीएम साहब एक्शन में दिख रहे हैं, देखते भैया कब तक अवैध निर्माण और बकायदा अवैध कब्जा रुकवाते हैं। फिलहाल शाम को शेयर करवा दी शमी साहब जी को भी दबा दबा लगन कसके।